इसके इसके अलावा नसीर खान साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म होने वाला है, अगर आखिर पर आप हमें एक आध मिनट में हमें ये भी बता सकें कि एक तो हम ये बता रहे हैं कि तहरीक जदीद का ऐलान हज़रत मुस्लिम अज़ीज़ुल्लाह ने फरमाया, उस पर जमात अहमदिया का जो हस्ब रिवायत जमात अहमदिया किस तरह से लबैक कहा, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब हिंदुस्तान में जमात अहमदिया की हर चीज़ को बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया जाता था, अखबारात और प्रेस और मीडिया जो है वो बड़े करीब से देखते थे और उस पर तबसरा भी करते थे। गैरों ने इस तहरीक पर उस दौर में क्या कहा है, कोई मिसाल अगर आप? बहुत जब हजरत मुस्लिम मौद ने ये तहरीक फरमाई सादगी अपनाने की अपने तर्ज बूदोबाश में और ये सारे जो इसके दीगर जो पहलू जैसे कि मुशरकार साहब ने बताया, तो इसका गैरों पर बहुत बड़ा असर हुआ और प्रेस ने उस वक्त इसको सराहा भी। अखबार इनकलाब लाहौर 4 दिसंबर 1934 में उसने तो यहाँ तक कहा कि जिस तरह अहमदियों के खलीफा ने उन्हें कहा है कि आप साथी इख्तियार करें, जो जमात के मुखालफी हैं उनको भी चाहिए इख्तियार करें, लेकिन लगता यह है कि उन्होंने जिद में आके और भी इसके बरक्स चलना है, यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें कॉमेंट्स दिए। इसी तरह एक हिंदू अखबार ने उसको ये कहा कि कादियानी अहमदियों के खलीफा साहब ने अपने पैरवों के नाम ये हुक्म जारी किया है कि आइंदा 3 साल तक सिनेमा थिएटर सर्कस वगैरह हरगिज ना देखें और खाने पीने में इंतहाई सादगी इख्तियार करें, बिला जरूरत कपड़े ना बनाएं, जहां तक हो सके मौजूदा कपड़ों में गुजरान करें और तबलीग के लिए चंदा दें। वो कहते हैं ये हुक्म बिला शक व शुबा काबिल तकलीद है और उन्होंने अपने हिंदुओं को तलकीन की कि वो भी इन चीजों को अपनाएं और अपने मजहब के प्रचार के लिए पैसे दें। लेकिन मैं इस वक्त एक खास बात जो बयान करना चाहता हूँ, वो अखबार रंगीन अमृतसर के सिख एडिटर थे अर्जन सिंह आजिज साहब, उन्होंने इस पे जो लिखा है वो बहुत ही गहरी नजर से उन्होंने मुताला किया है इस बात का, इस तहरीक का, और वो देखें वो सुनने वाली बात है और वो उस नुक्ते को पा गए हैं जो जमात अहमदिया की तरक्की का राज है। वो कहते हैं कि अहमदियों का खलीफा उनकी घरेलू जिंदगी पर भी निगाह रखता है और वक्तन फवक्तन ऐसे अहकाम सादिर करता रहता है जिन पर अमल करने से खुशी की जिंदगी बसर हो सके, और ये बात उन्होंने उस वक्त नोट की और आज भी ये एक हकीकत है। खलीफतुल मसीह के खुतबात आप सुनते हैं, खिताबात आप सुनते हैं, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों को खुशियों से भरने के लिए हैं, हमें जो नसाए होती। ये तारीख जदीद जब जारी हुई थी उस वक्त जो हुजूर ने लाया अमल दिया था उस पर एक सिख अखबार के नाम और साफी थे, उन्होंने ये लिखा। वो कहते हैं कि मैं यहाँ उनके खलीफा के चंद अहकाम का जिक्र करता हूँ जिनसे अंदाजा हो सकेगा कि ये जमात क्यों तरक्की कर रही है। खलीफा ने हाल ही में जो प्रोग्राम अपने पैरों के सामने रखा है उनमें एक ही बात यह भी है कि हर बड़े छोटे अमीर या गरीब के दस्तरखान पर एक से ज्यादा खाना ना हो। यह हुक्म तिब्बी और इक्तिसादी पहलुओं से परखने के बाद शानदार नतायज का जिम्मेदार साबित हो सकता है। आगे जाके वो कहते हैं कि यूं तो हर एक रिफार्मर और अकलमंद अपने पैरों को इस किस्म का हुक्म दे सकता है, लेकिन कौन सा रिफार्मर है जो दावे से कह सके कि उसके 100% मरीद उसके ऐसे हुक्म की पूरी पूरी तामील करने के लिए हाजिर होंगे। सिर्फ खलीफा कादियान की यह खसूसियत है कि उसके ऐसे मुरीदों ने जिनके दस्तरखानों पर दर्जनों खाने होते थे अपने खलीफा के हुक्म के मुताबिक अपने रवैये में तब्दीली कर ली है, और आगे जाके फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि अपने खलीफा के इस इशारे पर जो जमात अपने इन चीजों को तर्क कर देती है ये इतनी बड़ी कुर्बानी है जिसका लाजमन नतीजा ये है कि ये ग्रोह हिंदुस्तान में सब जमातों पर सबकत ले जाएगा। और फिर वो लिखते हैं कि जो जमात अपने खलीफा के कहने पर जायज ख्वाहिशात पर काबू पाने की इख्तियार रखती है वो नाजायज ख्वाहिशात के करीब जा कैसे सकती। तो ये अल्लाह ताला के फजल से हमें जो खिलाफत की नेमत हासिल है उसी के बरकत से, और हर खलीफा की हर तहरीक गैर मामूली तौर पर बरकत पाती है। ये वो राज है जिसको दूसरों ने भी देखा है और हम तो अला बसीरत इस पर गवाह है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सब, जजाकल्ला। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते के रोज हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, यानी कि 9 जुलाई को यही वक्त, यानी कि